अजीज दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, बिलावल भुट्टो, भुट्टो तो है नहीं खैर, लेकिन बिलावल जरदारी ने एक इंतहाई बदतमीजी वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसका नॉर्मली तो जवाब देना बनता नहीं है कि आफ्टर ऑल एक घटिया आदमी की, जिसकी अपनी वल्दियत पे भी शकूक हैं, उसके बारे में क्या बात करनी। और इसने टोटली नॉन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल की है। मतलब आप ये देखें कि आप दुनिया में बड़े बड़े मुल्कों में डिफरेंसेस हैं, जैसे चाइना और इंडिया। आपने कभी सुना है कि चाइना ने कभी किसी भारत के लीडर पे पर्सनल अटैक किया हो, या कभी सुना है कि इंडिया के किसी लीडर ने जी जिंग या चाइना के किसी लीडर के बारे में कोई पर्सनल अटैक किया हो, या आपने कभी सुना है कि भारत के किसी लीडर ने पाकिस्तान के लीडर इमरान खान, नवाज शरीफ वगैरह पे, आसिफ जरदारी पे कोई पर्सनल अटैक किया हो? कभी नहीं सुना होगा आपने। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। बिलावल ने अपनी वल्दियत, अपनी जात दिखाई है। नीच जात होती है ना, जो जिसकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, क्योंकि ये डाकुओं का सरदार था, इसका बाप डाकुओं का सरदार है। और मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं बिलावल के बारे में, तो मैं आपको 4 घंटे की वो दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको छोटे छोटे में बताना चाहूँगा कि मुझे आज काफ़ी लोगों ने ईमेल वगैरह किए हैं, मैसेजेस किए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप 20-25 मिनट, आधा घंटा, 35 मिनट, जितनी वीडियो बनानी है बनाओ, हमें लंबी वीडियो पसंद है। लेकिन बहरहाल जिनको लंबी वीडियो नहीं पसंद, उनकी भी हम इज्जत करते हैं कि आफ्टर ऑल वो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, हम मान देते हैं, हमें उन पर ट्रस्ट करते हैं। तो कोशिश है कि मैं शॉर्ट में आपको चीज़ें बताऊँ। देखें, ये जो पहले तो हम भुट्टो ख़ानदान पर आए, क्योंकि यहाँ यूरोप में, अमेरिका में बच्चे माँ के नाम पर भी अपना वो करते हैं, या बाप के नाम पे, यहाँ पे चॉइस है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में शायद बिलावल इज़ द फर्स्ट एग्जांपल जो अपने बाप से ज़्यादा अपने माँ के नाम पे भुट्टो के ऊपर फख्र करता है, वरना बाप का नाम जरदारी है। और ये वो जरदारी है जिसका बाप हाकिम अली जरदारी अवामी नेशनल पार्टी में था, वली खान और बाचा खान की। और जब भुट्टो को फांसी लगी तो आसिफ अली जरदारी बिलावल के दादा ने मिठाइयाँ बांटी थी जुल्फकार अली भुट्टो को, जब फांसी लगी थी। बिलावल ना इंतहाई एक बेगैरत किस्म का इंसान है, क्योंकि पाकिस्तान में वो फॉरेन मिनिस्टर बन गया है, और फॉरेन मिनिस्टर बन के पूरी दुनिया के ये ट्रिप कर रहा है, 5-स्टार होटलों में रह रहा है, रॉयल प्रोटोकॉल मिल रहा है, जो कि इसकी औकात तो है नहीं। एक डील करके आर्मी से इसका बाप गवर्नमेंट में आया है, वरना इसके बाप की कहीं पे कोई सीटें वगैरह इतनी नहीं है, डील करके आया है। और बिलावल उस आर्मी के बूट चाटने में लगा है, क्यों? कि पाकिस्तान में उसकी ही पॉलिटिकल नौकरी कायम रह सकती है जो इंडिया को गालियां देगा। जितना ज़्यादा इंडिया को गालियां देगा, उतना ज़्यादा वो आर्मी की भी गुड बुक्स में आएगा, और पब्लिक, क्योंकि 99% पब्लिक को बचपन से मदरसों से ये जहर इंजेक्शन के तौर पे दिया जाता है कि हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, इंडिया तुम्हारा दुश्मन है, उनसे नफरत करो, इंडिया से नफरत करो, हिंदुओं से नफरत करो, ये जहर पिलाया जाता है। तो इस वक्त पूरा पाकिस्तान बिलावल को अप्रिशिएट कर रहा है, जिसको देखो ट्वीटें कर रहा है कि ओ छक्का मारा, ओए फ्रंट फुट पे जाके छक्का मारा, जबकि यही लोग जो नून लीग में थे, या पीटीआई में थे, या फजलुर रहमान की पार्टी में थे, वो बिलावल को छक्का कहते थे। ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं। लेकिन आज चूंकि उसने इंडिया को और मोदी जी को गालियां दे दी, यार चांद पे थूकने से कोई चांद पे थूक थोड़ी जाता है, तेरे ही मुंह पे आता है। मोदी जी की जो पॉपुलरिटी की रेटिंग है, वो दुनिया में सारे लीडरों में टॉप पे है। कई पोल आ चुके हैं, कई पोल मोदी जी ने इंडिया को एक नई हाइट्स की तरफ लेके जा रहा है। तुम्हारे गालियां देने से कुछ नहीं होता, और तुम आरएसएस की बात करते हो। अरे दुनिया में कोई एक टेररिज्म का वाकया बता दो जिसमें आरएसएस तो छोड़ो, कोई हिंदू भी शामिल हो, तो कोई एक टेररिज्म का वाकया बता दो। जबकि
तुम्हारे पाकिस्तान के झंडे गड़े हुए हैं टेररिज्म की दुनिया में, माउंट एवरेस्ट का कि चोटियों पर बैठे हुए हो तुम टेररिज्म की माउंट एवरेस्ट पे। मैं बिलावल को याद दिला दूं कि एशिया की तारीख का सबसे बड़ा टेररिज्म का कांड कहां हुआ था, 26 नवंबर 2008 भारत में हुआ था, जब मुंबई में पाकिस्तान के आईएसआई के ट्रेंड टेररिस्टों ने जाके कत्लेआम किया था, 26 मुल्कों के लोगों को मारा था। बिलावल, जब ये हुआ था पाकिस्तान से ये टेररिस्ट कराची से चले थे, किसकी गवर्नमेंट थी? तुम्हारे बाप की गवर्नमेंट थी। तुम्हारा बाप आसिफ जरदारी सदर था, तुम्हारी पार्टी पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी था। कराची जहां से ये बोट्स चली थी वो सिंध का कैपिटल तुम्हारे कब्जे में था। तुम तो टेररिस्ट की दलदल में धंसे हुए हो। तुम बात करते हो टेररिज्म की, तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। तुम आज उस आर्मी के बूट चाटने में लगे हुए हो जिस आर्मी के चीफ ने, जियाउल हक ने, तुम्हारे नाना को फांसी पर चढ़ाया था। जनरल मुशर्रफ ने तुम्हारी मां को मारा है। पाकिस्तान की कोर्ट्स ने इस केस में मुशर्रफ को सजाए मौत दी हुई है, वो भागा हुआ है। उस आर्मी के बूट चाट रहे हो तुम, उस आर्मी के। तुम्हारी ये आर्मी लाखों लोगों को कत्ल कर चुकी है, मिलियंस, पिछले 75 सालों में। और बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान में 1 मिलियन बंगालियों मुसलमानों को मारा है। किसने मारा है? तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे नाना ने मारा है। क्योंकि 70 के इलेक्शन में 320 सीटें थी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की, उसमें से 162 सीटें मुजीबुर्रहमान जीता था, 50% से ज्यादा। उसको प्राइम मिनिस्टर किसने नहीं बनने दिया? तुम्हारे एक डिक्टेटर नाना ने मना कर दिया। 81 सीटें थी भुट्टो की, उसने कहा नहीं बनने दूंगा उसको प्राइम मिनिस्टर। उसकी जिदबाजी में ये याया खान का राइट हैंड टट्टू था तुम्हारा नाना, याया खान को कह के इसने आर्मी भिजवाई और कत्लेआम किया। तुम बुचर ऑफ मोदी की, बुचर ऑफ गुजरात की बात करते हो, तुम्हें पता है बुचर ऑफ बंगाल किसको कहते हैं? बुचर ऑफ बंगाल जनरल टिक्का खान को कहते हैं, जिसको 71 की जंग के बाद तुम्हारे नाना ने पाकिस्तान आर्मी का चीफ बनाया, जिसको 1988 में तुम्हारी मां ने पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी तो गवर्नर पंजाब लगाया जनरल टिक्का खान को। उसका टाइटल है, तुम गूगल पर जाकर देख लो, बुचर ऑफ बंगाल। तुम बुचर की बात करते हो, ये मोदी जी को भारत की कोर्ट्स ने क्लीन चिट दी है। और मैं तुम्हें बता दूं कि दुनिया में जुडिशरी में जो लिस्टें आई हैं रिपोर्ट्स में इंटरनेशनल जुडिशियल सिस्टम्स के ऊपर, पाकिस्तान बॉटम से 2nd नंबर पे, बॉटम से। भारत की जुडिशरी पे आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई। दुनिया में इतना प्रोपेगेंडा होता है, हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म ये वो, जुडिशरी पे आज तक किसी ने भारत की उंगली नहीं उठाई। उस जुडिशरी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चिट दी है क्लीन। अजीज दोस्तों, पहले जरा बिलावल भुट्टो की बकवास थोड़ी सुन लें, आपको इसके फ्रस्ट्रेशन का और इसके पीछे इसकी नाजायज बाप आर्मी का फ्रस्ट्रेशन नजर आएगा। आई एम द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान and Pakistan's foreign minister is a victim of terrorism is the son of Shahid Motama Benazir Bhutto. The prime minister of Pakistan, Shahbaz Sharif, when he was CM of Punjab, his home minister, was assassinated by terrorists. Political parties, civil society, the average people in Pakistan, across the board, have been the victims, not the perpetrators of terrorists. We've lost far more lives to terrorism than India has. Why would we want our own people to suffer? We absolutely do not. Unfortunately, I think India has been playing in that space that I referred to earlier in my statement. Where it's very easy to say Muslim and terrorists together and get the world to agree. And they very skillfully blur this line, where people like myself are associated with terrorists
rather than as those who are have been fighting and to this day are fighting terrorism. As far as India is concerned, they've had terrorist attacks. They too should not have had to experience terrorist attacks. Whatever cooperation they need, we've offered in the past, we can, you know, would like to continue to offer in the future. But they continuously perpetuate this philosophy. And it's not just for Pakistan, it's for the Muslims in India. We're terrorists whether we're Muslims in Pakistan, and we're terrorists whether we're Muslims in India. I'd like to remind the Honorable Foreign Minister or the Minister for External Affairs of India that Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. The RSS, I saw yesterday that the Foreign Minister of India was with the UN Secretary General inaugurating a statue of Gandhi. But if the Foreign Minister of India was being honest, then he knows as well as I that the RSS does not believe in Gandhi, in the ideology of Gandhi, in the manifestation of in the manifesto of Gandhi. They do not see this individual as the founder of India. They hero worship the terrorist that assassinated Gandhi. Within India, who perpetuates terrorism? Is it Pakistan? Ask the people of Gujarat. They will say it's their prime minister. Ask the people of Kashmir. They will say the butcher of Gujarat is now the butcher of Kashmir. And I'm not talking about some imaginary past. I'm talking about today. They're not even attempting to wash the blood of people of Gujarat off their hands. For their own election campaigns, they have pardoned. Prime Minister Modi and his government have used their authority to pardon. To pardon the men who perpetrated rape against Muslims in Gujarat. Who conducted the gang rape of women in Gujarat. Those rapists, those terrorists were freed, were pardoned. For the Prime Minister of India. This is the truth of the matter. So in order for them to perpetuate their politics of hate, their Hindu supremacist transition from a secular India to the Hindu supremacist India, this narrative is very important for them. It's very important for them domestically, and it's very important for them internationally. They demonize the people of Pakistan. They expect the world to believe that we are all terrorists. I know we are not. And I have presented this dossier. I'm not talking about whenever well back Gujarat was. I'm talking about 2021. When we have proof that your government facilitated a terrorist attack in Pakistan. So I don't see how Pakistan is the epicenter of terrorism. I do believe that we are the victims of terrorism. If it's not the government of India, certainly the people of India have been victims of terrorism. The people of Afghanistan have been victims of terrorism. The people of the United States, the people of Europe have been the victims of terrorism. And it's for us to work together to combat the politics of hate, to combat whether it's Islamic extremism or Hindu extremism, to come together and face these challenges and not pursue narrow populism, religious populism, divisive politics domestically or internationally, and to further spread hate within communities. Otherwise, it's not just this generation, all the generations to come will continue in this cycle. Aziz dosto, ye kehta hai
कि अमेरिका यहाँ पे मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ यहाँ पे वीजा नहीं दे रहा था, अमेरिका में मोदी की एंट्री बैन थी, उसी अमेरिका ने जब इंक्वायरी की तो उसने कहा कि नहीं, गुजरात में गोधरा में यात्रियों की ट्रेन को मुसलमानों ने आग लगाई थी जिसपे बलवे हुए, और कई मुसलमानों से मैंने भी बात की थी जब मैं गुजरात गया था, और जनरली आप किसी से भी गुजरात के मुसलमान से पूछ लें वो कहता है अगर मोदी प्राइम चीफ मिनिस्टर ना होता गुजरात का तो गुजरात से सारे मुसलमान का सफाया हो जाता। शर्म करो, तुम बकवास करते हो, गुजरात के मुसलमानों को मोदी ने बचाया है। गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ एक बलवा इसलिए हुआ कि तुम्हारे मुसलमानों ने वहां पर ट्रेन को आग लगा के कई यात्रियों को जला दिया था। ये सब ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, कमीशंस बन चुके हैं इन चीजों पे। तुम्हारी मां ने प्राइम मिनिस्टर बनी 1988 में, कुछ ही महीनों में बलोचिस्तान की गवर्नमेंट को सैक कर दिया। नवाब अकबर बुगटी बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर थे, गवर्नर राज लगा दिया, जनरल मूसा खान गवर्नर था बलोचिस्तान का। तुम लोग तो किसी डेमोक्रेसी पे बिलीव ही नहीं करते हो। अब मैं तुम्हारे खानदान के जरा इतिहास पे जाऊंगा। तुम्हारे नाना का बाप जुल्फकार अली भुट्टो का बाप सर शाहनवाज भुट्टो, अंग्रेज सर का खिताब किसको देता था? जो इनके बूट चाटता था, जो अंग्रेजों के पांव में बैठता था उसको देता था। भारत की आजादी के किसी मतवाले का नाम बता दो जिसके साथ सर लगा हुआ हो। लेकिन पाकिस्तान का अल्लामा इकबाल भी सर इकबाल था, ये सर शाहनवाज भुट्टो। ये राजस्थान के पंजाबी थे, भट्टी राजपूत हैं ये। भट्टी राजपूत असल में पंजाबी होते हैं या राजस्थानी थे? अंग्रेज ने सर शाहनवाज भुट्टो के खानदान की अंग्रेज सरकार के लिए कुर्बानियों को, उनकी मदद के लिए कि क्रांतिकारियों और भारत के आजादी के मतवालों के खिलाफ भुट्टो सर शाहनवाज भुट्टो के खानदान ने मदद की थी, तो अंग्रेज ने सिंध में, जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था उस वक्त, सिंध में लाड़काना सखर मीरपुर मीरपुर खास नवाबशाह में ढेरों जमीन दे दी। ही बिकेम द बिगेस्ट फ्यूडल लॉर्ड ऑफ सिंध। राजस्थान में रहता था, मूव कर गए सिंध, अंग्रेजों ने पूरा सिंध इनके हवाले कर दिया कि इससे ज्यादा हमारा वफादार कुत्ता कौन होगा। और सर शाहनवाज भुट्टो को मैं 1947 में जूनागढ़ स्टेट का प्राइम मिनिस्टर बनाया, दीवान बनाया। अगस्त 1947 में बंटवारा था, मैं 1947 में अपने सबसे वफादार कुत्ते सर शाहनवाज भुट्टो को दीवान लगाया, प्राइम मिनिस्टर लगाया जूनागढ़ रियासत पे, जिसका नवाब था नवाब मोहब्बत खान जी। नवाब मोहब्बत खान जी का प्राइम मिनिस्टर इसको बनाया। 15 अगस्त 1947 को इंडिया का डिवीजन होता है, पाकिस्तान इंडिया अलग अलग आजाद होते हैं, तो अंग्रेज ने प्रिंसली स्टेट्स को ये चॉइस दी थी कि आप या तो पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं या इंडिया के साथ। अंग्रेज की साजिश ये थी कि इंडिया को तोड़ना है। पहले तो ईस्ट और वेस्ट विंग तोड़ दिए, पाकिस्तान बना दिया। अब विद इन इंडिया इन्होंने कई पाकिस्तान बनाने थे। जूनागढ़ की रियासत के दीवान ने सर शाहनवाज भुट्टो ने 15 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना को खत लिखा कि रियासत है जूनागढ़ पाकिस्तान के साथ एक्सेशन कर दिए। 15 अगस्त को ही वहां पे 85% हिंदू रहते थे। हिंदू खड़े हो गए, बोल ना तो तुम्हारा बॉर्डर मिलता है जूनागढ़ का पाकिस्तान से, गुजरात है चारों तरफ, गुजरात उस वक्त मुंबई का हिस्सा था महाराष्ट्र का, गुजरात है तुम्हारे चारों तरफ, बीच में ये छोटी सी एक रियासत है जूनागढ़, इसमें भी 85% हिंदू हैं, नवाब मुसलमान है तो क्या हुआ, दीवान मुसलमान है तो क्या हुआ, हम नहीं होने देंगे। रिवोल्ट हुआ और हिंदुओं ने
पूरे जूनागढ़ रियासत को कब्जा कर लिया। अभी तो भारत की आर्मी आई भी नहीं थी, नवाब मोहब्बत खान जी भाग के पाकिस्तान चले गए। दीवान सर शाहनवाज भुट्टो भाग के सिंध चले गए, इनकी जागीर थी वहां पे। ये है इनका कैरेक्टर। और फिर सिंध में ये सबसे बड़ा फ्यूडल लॉर्ड। पाकिस्तान में जिना के मरने के बाद गुलाम मोहम्मद नामी एक ब्यूरोक्रेट गवर्नर जनरल बनता है, और फिर इसके बाद गवर्नर जनरल बनता है रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर इस्कंदर मिर्जा। इस्कंदर मिर्जा सर शाहनवाज भुट्टो का खास दोस्त था। वो सिंध में शिकार करने आता था जंगलों में, इसकी सर शाहनवाज भुट्टो की जमीनों पे। वहां पे सर शाहनवाज भुट्टो ने अपने बेटे जुल्फकार अली भुट्टो का इंट्रोडक्शन कराया। और मैं एक बात और यहां पे याद आई है तो बता दूं कि सर शाहनवाज भुट्टो, जैसे कि आज सिंध में हिंदू लड़कियों को बाय फोर्स कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर शादी कर दी जाती है जो अगवा करता है उससे, इसी तरह जुल्फकार अली भुट्टो के बाप सर शाहनवाज भुट्टो ने भी एक हिंदू लड़की लक्ष्मीबाई को मुसलमान करके उससे शादी की थी। अगर बिलावल समझता है कि इसका खून जो है वो मां के उससे चला है तो हिंदुओं का खून है। वो बिचारी को कन्वर्ट किया गया था भुट्टो की मां को। तो जुल्फकार अली भुट्टो का इंट्रोडक्शन इस्कंदर मिर्जा से कराया इसके बाप सर शाहनवाज भुट्टो ने कि ये मेरा टैलेंटेड बेटा। टैलेंटेड बेटा जाहिर है जागीरदार का बेटा था, कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इधर से पढ़ के आया था, लॉयर था। और एक और बात बता दूं, याद आई ये तो, कि 1947 में जुल्फकार अली भुट्टो मुंबई में ही था, वो नहीं गया पाकिस्तान, इसलिए कि इनकी जमीनें थी उस वक्त जो इंडिया आज़ाद हुआ था, तो इंडिया के अंदर इनकी ज़मीनें थीं, तो इसने ज़मीनें बेचने के लिए वहाँ पीछे रुका रहा। तो मुंबई हाई कोर्ट में, कहीं से आपको गूगल पे से ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, मुंबई हाई कोर्ट में जुल्फकार अली भुट्टो ने एक एफिडेविट जमा कराया था कि मैंने पाकिस्तानी नेशनलिटी नहीं ली, मैं इंडियन नेशनल हूँ। सारी ज़मीनें बेचने तक वो इंडियन नेशनल रहा है। 50s में जाके इसने सब, जब ज़मीनें बेच दी, सब पैसा माल बना लिया, फिर ये निकला और सिंध चला गया, इस्कंदर मिर्जा के कैबिनेट का हिस्सा बन गया, पाकिस्तान का यंगेस्ट मिनिस्टर। फिर अयूब खान का दौर आया, ये अयूब खान के बिल्कुल कदमों में बैठ गया। बिलावल भुट्टो का नाना जुल्फकार अली भुट्टो अयूब खान को डैडी कहता था। दुनिया में कोई एक गैरतमंद आदमी दिखा दें जो किसी आदमी जो कि इसका बाप नहीं हो उसको डैडी कह, आप अंकल कह सकते हैं, आप चाचा कह सकते हैं, मामा कह सकते हैं, डैडी, ये जुल्फकार अली भुट्टो। मैं नहीं कह रहा, हिस्ट्री भरी पड़ी है, पर आप गूगल पे चेक करें भुट्टो अयूब खान डैडी, तीन लफ्ज डालें आ जाएगा सामने, डैडी कहता था। 71 में मैंने अभी बताया आपको, लाखों बंगालियों को मारने वाला भुट्टो 71 की जंग के बाद चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना पाकिस्तान का, दुनिया की हिस्ट्री का पहला सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। फिर प्रेसिडेंट बना, क्योंकि पावर प्रेसिडेंट की थी, अयूब खान का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था। फिर नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें पावर सारी प्राइम मिनिस्टर को दी, तो प्राइम मिनिस्टर बना। ये भी आपको हिस्ट्री में शायद कहीं नहीं मिलेगा कि एक ही आदमी चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर रहा है। 71 की जंग के जो जंगी कैदी वापस आए तो पूरी फौज को बलूचिस्तान में बॉम्बार्डमेंट पे लगा दिया। बलूचिस्तान के गांव गांव में बॉम्बार्डमेंट की इसके नाना ने। सारे बलोच लीडरशिप, नवाब खैर बख्श, मरी अताउल्ला मेंगल, हासिल बजिंजो, गोश बख्श बजिंजो, नवाब अकबर बुख्टी, सब भाग गए, सब अफगानिस्तान चले गए। ये था भुट्टो का कैरेक्टर। और आखिर में जियाउल हक ने उसको फांसी दी, अदालत ने फांसी दी। आप लाख कहें कि जुडिशियल मर्डर था, ये था वो था, उसने नवाब कसूरी को मारा था। आज इसका बेटा बैठा है, कसूरी वकील है, इसके बाप को मारा था नवाब कसूरी को, जुल्फकार अली भुट्टो ने।
जुल्फकार अली भुट्टो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को या तो जेल में रखता था, उन पर टॉर्चर करता था। ये वली खान, बाचा खान का बेटा, सबको जेलों में रखा था। भुट्टो ने डिक्टेटर था, भुट्टो ब्रूटल डिक्टेटर था। बलूचिस्तान और केपीके की गवर्नमेंट इसने खत्म कर दी थी, वहां गवर्नर राज लगाया था। इसकी बेटी 88 में प्राइम मिनिस्टर बनती है, एमक्यूएम को अपने साथ शामिल करती है, एक भी वादा पूरा नहीं किया। एमक्यूएम ने गवर्नमेंट से निकल गई, नवाज शरीफ से मिल गई, बेनजीर की हुकूमत टूट गई। 93 में ये प्राइम मिनिस्टर बनती है बेनजीर भुट्टो। दूसरी बार इसने कराची में, सिंध में, सिंध के शहरी इलाकों में ऑपरेशन शुरू किया, 25,000 मुहाजिर जवान मार दिए। इसकी तकरीर ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई है बेनजीर भुट्टो की, जिसमें इसने मुहाजिरों को चूहा कहा था, इतनी तो इसको नफरत थी मुहाजिरों से। ये मुहाजिरों को सोचने का मुकाम है कि पाकिस्तान में तुम लोगों को नफरत के अलावा कुछ नहीं मिला। यह पाकिस्तान तुम लोगों ने बनाया था, इंडिया का बंटवारा किया था, और यह इंडिया के मुसलमानों को भी देखना है कि पाकिस्तान में वो मुसलमान जो इंडिया से माइग्रेट करके आए थे उनका क्या हाल हुआ है। शर्म करो जो तुम लोग इंडिया में अगर उल्टे काम करते हो, कुछ मुसलमान, सारे नहीं, इंडिया के मुसलमान कदर करें कि वो इंडिया में रहते हैं। देखें हम लोगों का क्या हाल क्या था। ये थी इसकी माँ बेनजीर भुट्टो। 96 में इसकी माँ की गवर्नमेंट इसके अपने हैंड पिक प्रेसिडेंट फारूक लगारी ने करप्शन की बुनियाद पे तोड़ी थी, दो वजूहात पे, करप्शन और कराची में ऑपरेशन मुहाजिरों के खिलाफ, कत्लेआम, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। वो जो गवर्नमेंट तोड़ने की जो नोटिस निकला था ना, उस पर ये वजूहात लिखी हैं, वो भी आपको गूगल से मिल जाएगा। जब ये पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी थी 88 में, तो इसका बाप बिलावल का, आसिफ जरदारी, मिस्टर 10% मशहूर हुआ था। हर चीज में 10% इसकी कमीशन बंदी हुई थी। एक मशहूर कैसे, गुलाम हुसैन अन्नड़, गूगल में डालिएगा। एक बिजनेसमैन इंग्लैंड से आया था पाकिस्तान में बिजनेस करने, उसको अगवा किया जरदारी ने, उसकी टांग पे बम बांधा और उसको बैंक भेजा के सारे पैसे निकाल के आओ मुझे दो। आपको मैं बता दूं कि जब बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनी थी, इससे पहले पाकिस्तान में अगवा बराए तावान नहीं होता था, किडनैपिंग फॉर रैंसम नहीं होती थी, या आसिफ जरदारी के ज़माने में हुई थी। बड़े बड़े बिजनेसमैनों के बच्चे अगवा हो रहे हैं, लोग अगवा हो रहे हैं, ये डाकू आसिफ जरदारी की गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट ख़त्म हुई बेनजीर की, 93 में बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनती है, तो आसिफ जरदारी को बाकायदा कैबिनेट में शामिल किया, मिनिस्टर बनाया, और पूरे पाकिस्तान में शोर मच गया कि आसिफ जरदारी अब मिस्टर 10% नहीं है, मिस्टर 90% है। लूट मार इतनी की है इसने। बेनजीर भुट्टो के कत्ल में भी सब कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी का हाथ है। क्यों? कि आसिफ जरदारी मुशर्रफ के पूरे पीरियड में जेल में रहा, नवाज शरीफ के जितने इससे पहले पीरियड आए थे, दो पीरियड उसमें जेल में रहा, करप्शन के चार्जेस पे, कत्लेआम के चार्जेस पे, गुलाम हुसैन उन्नड़ के केस में, सब में। मुशर्रफ से अबू धाबी में बेनजीर भुट्टो की एक डील हुई थी, NRO, नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस, जिसमें मुशर्रफ ने सारे केस ख़त्म किए थे इनके ऊपर, और उस NRO के नतीजे में जरदारी छूटा था। तो बेनजीर भुट्टो से मुशर्रफ ने ये डील की थी कि जरदारी पाकिस्तान में कदम नहीं रखेगा, तो जरदारी को फिर बेनजीर भुट्टो लेके अबू धाबी चली गई थी। जब बेनजीर भुट्टो वापस आई और इलेक्शन कैंपेन शुरू की, मुशर्रफ के खिलाफ कैंपेन शुरू की, जजेस मूवमेंट में शामिल हुई, ये गाड़ी में जा रही है रावलपिंडी में, इसको मना था कि तुम्हारी सिक्योरिटी को थ्रेट है, तुम छत, गाड़ी की छत से बाहर नहीं निकलना। तो जरदारी का फोन आता है इसको गाड़ी में अबू धाबी से कि पब्लिक तुम्हारे को वेव करने के लिए तड़प रही है, तुम कम से कम थोड़ा ऊपर बाहर निकल के गाड़ी में से हाथ तो हिला दो। जैसे ही बाहर निकली गोली लगी, जैसे ही गोली लगी जरदारी अगली फ्लाइट से करा पाकिस्तान। वो दिन है 27 दिसंबर 2007,
और आज 2022 15 साल हो गए, जरदारी एक दिन भी जेल में नहीं रहा। इसने आर्मी से डील कर ली, मुशर्रफ जरदारी ने मिल के बेनजीर भुट्टो का सफाया कर दिया। उस दिन से जरदारी पाकिस्तान आर्मी का ब्लू आइट बॉय बन गया। इसका वोट बैंक नहीं है तो इसलिए आर्मी इसको, पहले तो बेनजीर के कत्ल पे सिंपैथी वोट मिल गया, वरना बेनजीर के सारे जितने भी सिंध के लीडर थे वो पाकिस्तान ना खप्पे का नारा लगा के निकल गए थे घर से। या आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे, इसको पता था कि सिंध आजाद हो गया, हमारा काम खत्म, फिर सिंध में हमारी जागीरदारी नहीं चलेगी, ये पाकिस्तान है तो हमारी लूटमार चलती रहेगी। इसने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया और तब से ये जेल में नहीं गया। दन दनाता हुआ 2013 तक हुकूमत की, फिर नवाज शरीफ से भी हाथ मिला लिया। वो शहबाज शरीफ जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, जिसके अंडर में बिलावल भुट्टो है, उसने हेलीकॉप्टर से बेनजीर भुट्टो की नंगी पिक्चरें फेंकी थी, बिलावल की माँ की, उनके साथ मिलकर फिर ये लूटमार का सिलसिला चलाते रहे। इमरान खान की सरकार तोड़ी गई, फिर आर्मी इसको लेके आ गई, अब इसको फॉरेन मिनिस्टर बनाया है। आपको पता है कुछ ही महीनों में पाकिस्तान में इलेक्शन है, अब 2023 में। ये आर्मी की गुड बुक्स में आना चाह रहा है कि जितना मोदी को गालियां दोगे इतना आर्मी तुम्हें फिर अगले इलेक्शन में जितवा के प्राइम मिनिस्टर बना देगी। इसके बाप ने कहा कि बेनजीर भुट्टो ने एक वसीयत छोड़ी थी मरते वक्त, उस वसीयत के मुताबिक मेरा बेटा बिलावल भुट्टो चेयरमैन पीपल्स पार्टी होगा, लाइफ टाइम कोई इलेक्शन नहीं होंगे। कल का लौंडा चेयरमैन बन गया, जितने सीनियर पीपल्स पार्टी के लोग थे, बड़े सफेद बाल बूढ़े जिनकी गोदों में ये खेला है, वो इसके पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं। मैं देखता हूं यूएन में जब ये खड़ा होता है तो इसके पीछे मुनीर अकरम, पाकिस्तान का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन में, 50 साल से सर्विस में है, 50 साल से बूढ़ा एक्सपीरियंस्ड, वो बिलावल भुट्टो के पीछे अदब बांध के खड़ा होता है। मैं जब 95 में जब यूएन में गया तो मुनीर अकरम पाकिस्तान का यूएन जिनीवा में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव था, एक टॉप का डिप्लोमेट, कभी अमेरिका में होता है कभी इधर होता है। वो बिलावल भुट्टो कल के लौंडे के पीछे, जिसको सही से उर्दू भी बात करनी नहीं आती, इंग्लिश भी बात करनी नहीं आती। अजीज दोस्तों, कहने को मेरे पास बहुत कुछ है। बिलावल को सिर्फ इतना कहूंगा कि ये एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट ने, अभी जब तुम फॉरेन मिनिस्टर हो, ये पाकिस्तान के ऊपर 29 पेज की रिपोर्ट निकाली है ह्यूमन राइट्स वायोलेशन की, थोड़ा शर्म कर लो। तुम ये जो पूरे दुनिया में घूम रहे हो ना, इस पे अब तक 175 करोड़ रुपया लग चुका है तुम्हारे फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर, एक पैसे का काम नहीं है तुम्हारा, कोई पाकिस्तान का कहीं नहीं, घूमते फिरते हो बस मोदी को गालियां देने के लिए बैठे हुए हो तुम। शर्म करो, थोड़ा पाकिस्तान का हाल देखो, पाकिस्तान में लोग भूखों मर रहे हैं, तुम्हारे फेडरल रिजर्व में -$300 मिलियन है, क्योंकि $6.7 बिलियन हैं, जिसमें से $3 बिलियन सऊदी अरब के हैं, $2 बिलियन चाइना के हैं, $2 बिलियन इमारात के हैं, $7 बिलियन ये इन्होंने रखने के लिए दिया था, खर्चा करने के लिए नहीं दिया था, इसमें से भी तुम लोग 300 मिलियन खा गए हो। और ये वीडियो है ना, ये तुम्हारे सिंध की है, ये देखो जमीन के अंदर का पानी भी खत्म हो गया, लोगों को तुम पानी पीने के लिए नहीं दे रहे हो, और तुम बात कर रहे हो आखिरी में, ये हिलरी क्लिंटन जब प्रेसिडेंट थी तो उसने कहा था कि पाकिस्तान यू कैन नॉट कीप स्नैक्स इन योर बैकयार्ड, और ये एंड पे मैं एक मिनट की वीडियो लगा रहा हूं निक्की हर्ली की। निक्की यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी, वो बता रही है कि पाकिस्तान टेररिज्म में इन्वॉल्व है, इसलिए हम इनको अब मदद नहीं दे सकते। ऐसी मेरे पास भरी पड़ी हैं लिस्टें चीज़ों की, मैं तुम्हें मजीद क्या बताऊं। तुम्हारे अंदर थोड़ी भी शर्म होती ना तो तुम जमीन पे थूक के उसी में डूब के मर जाते, लेकिन शर्म इसलिए नहीं है कि एक बेगैरत बाप आसिफ जरदारी के बेटे हो, एक बेगैरत खानदान भुट्टो के
तुम्हारी माँ है और तुम उसी नस्ल से हो। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग, जय हिंद। दिस वोट इंस्पायर्ड मी एंड माय टीम एट द यूएस मिशन टू पुट टुगेदर अ स्ट्रेटजी बुक दैट लिस्टेड हाउ ऑफन ईच कंट्री वोटेड विद अस एंड हाउ ऑफन ईच कंट्री वोटेड अगेंस्ट अस And we compared that to how much foreign aid we were giving to each of those countries. It was really stunning. Country after country works against us at the UN. Then they turned around with their hands out asking for foreign aid. Pakistan was a good example. We were giving Pakistan $1 billion a year for their military. They would vote against us at the UN constantly. But worse than that, they were harboring terrorists that were trying to kill our soldiers. So we ended that, and Pakistan doesn't get any money anymore. The administration is now, I'm proud to say, reviewing every foreign aid program to make sure we're helping our friends and not our